नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार 3 हफ्तों से जारी। महिलाएं सुबह से रात तक हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करती हुए नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मांग कर रही। महिलाओं और बच्चों के हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर भी हैं, जिस पर लिखा है मेरा संविधान मेरा अधिकार। इसके साथ ही CAA के विरोध में कुछ तख्तियों में लिखा है प्यार बांटो देश नहीं। लखनऊ के घंटाघर पर चल रहे विरोध में प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि इस विरोध को करते 21 दिन बीत गए हैं, लेकिन प्रदेश व केंद्र सरकार ने हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं। यह वही सरकार है जो देश में यह ढिंढोरा पीट रही थी कि हमारी सरकार सभी औरतों को समान अधिकार देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने आगे बढ़ते हुए कहा कि उनकी एक ही मांग है कि जब तक CAA सरकार वापस नहीं लेगी और अपनी स्थिति को साफ नहीं करेगी, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार जितनी भी चाहे कोशिश कर ले प्रशासन या पुलिस के जरिए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम संविधान की रक्षा के लिए आगे आए हैं और हमारे साथ में हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग हैं। हम इसका विरोध लगातार जारी रखेंगे। आज 21 दिन है, 21 दिन से हम लोग यहाँ पे उठे के अस्त बैठे हैं और मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे औरतें कितनी दिक्कतें हैं। वो NRC CAA वापस नहीं दी गई, लेकिन जब तक मोदी जी NRC वापस नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं पे डटे हैं, चाहे हम लोग मर जाएं। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।